अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं कि मैं ये लैपटॉप क्यों बांट रहा हूँ। तो मैं अब कुछ सीरीज़ बनाना शुरू करूँगा और समझाऊँगा कि ये लैपटॉप बांटने से क्या होता है। तो मुझको बहुत साल हो गए हैं काम करते हुए, और बहुत सारे कारोबार भी शुरू किए, बहुत सारी चीज़ें भी शुरू करी। जो सबसे बड़ा चैलेंज मुझको और मेरे दोस्तों को और एंटरप्रेन्योर्स को मैं देखता हूँ आता है, वो ये होता है कि वो लोग कहते हैं यार अच्छे लोग नहीं मिलते। फिर हम देखते हैं कि हमारे यहाँ 200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, हज़ारों लाखों के हिसाब से स्कूल्स हैं, क्यों नहीं हमें अच्छे लोग मिल पाते? जब आप अच्छे लोगों की बात करते हैं तो अच्छे लोगों से मुराद ये होती है लोगों की कि ऐसे लोग जो कि आपकी बात को समझ सकें, आपके साथ कम्युनिकेट अच्छी तरीके से कर सकें, आपकी बात को समझ भी सकें, सिर्फ बोल नहीं सकें बल्कि समझ भी सकें। थर्ड, आपके पास, उनके पास और आपके पास जो नॉलेज है वो सिमिलर हो, कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन सिमिलर हो। तो व्हेन इट कम्स टू आईटी या ग्लोबलाइजेशन या ग्लोबल बिजनेस, तो क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग वो होते हैं जो कि पाकिस्तान में मजबूरी में रह रहे होते हैं ज़्यादातर। अगर किसी को ऑप्शन मिले, या जितने भी आप अगर ग्रेजुएट्स उठा के देखें अच्छे यूनिवर्सिटीज़ के, तो वो मुल्क छोड़ के चले जाते हैं। तो पीछे जो आपके पास लोग रह जाते हैं वो लेस ट्रैवल्ड और दे डोंट रियली फील लाइक बीइंग इन पाकिस्तान, देर यू नो मजबूरी में रह रहे होते हैं। अब बहुत सारे लोग इससे शायद इत्तेफाक ना करें, लेकिन ये वो हकीकत है जो मुझको नज़र आती है। हर एक इंसान की हकीकत अलग होती है। उसके बाद जो ये पीछे बॉटम ऑफ द पिरामिड रह जाते हैं, उनको कोई बात समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उनकी थरो ट्रेनिंग करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम उनको किसी ऐसे जगह पे फिट करते हैं कि वो सीनियर मैनेजमेंट की पोजीशन पे हो, सी लेवल पोजीशन पे हो, CMO, CFO, CTO, CEO, तो मुश्किल होता है उनको कुछ भी समझाना, क्योंकि उनको आपकी बात जिब्रिश लग रही होती, स्पेशली इन .com बिजनेस, स्पेशली इन ग्लोबल इन अरिना, क्योंकि उनके पास उन दुनिया उन्होंने नहीं घूमी होती। उनकी हकीकत फ़र्क होती है, आपकी हकीकत फ़र्क होती है। अगर मेरे साथ फॉर एग्जांपल मैं 70 मुल्क घूमा हूँ, तो मेरे साथ जो लोग काम करते हैं अगर वो 2 मुल्क भी नहीं गए मुल्क से बाहर, तो उनको मेरी बातें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए कि वो उनको लगेगा यार ये सब कुछ सारी दुनिया में हो सकता है, पाकिस्तान में नहीं हो सकता। और तो ये वो चीज़ है जो कि सफ़र के साथ नज़र आती है, एक्सपीरियंस के साथ नज़र आती है। फिर मैंने ये अपने सफ़र में सीखा कि जब आप किसी एक इंसान से मिलते हैं तो आपकी एनर्जी और उसकी एनर्जी शेयर होती है, और आपकी नॉलेज और उसकी नॉलेज शेयर होती है, और वो आपको एक कार्व करता है, एक अजीब सा इंसान, फ़र्क इंसान बनाने की कोशिश करता है। ना ही कोशिश के बावजूद भी आप एक फ़र्क इंसान बन जाते हैं जब आप एक किसी इंसान से मुलाकात करते हैं, चाहे वो 10 सेकंड की क्यों ना हो। अगर घंटे की हो जाए तो मेरा हाइपोथेसिस ये है कि 1% इंसान कम से कम बेहतर बन जाता है अगर वो एक आदमी से मिलता है तो, 1 घंटे के लिए, और इससे बातें भी करता है। अब ये सारी चीज़ों को अब मैं लोगों को कैसे सफ़र कराऊँ, यानी कि मैं किस तरह से अफोर्ड करूँगी 70 लोगों के साथ, अगर मुझे 100 आदमी चाहिए जिनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ, या मेरे हम ख्याल हों जिनको, या मैं कुछ समझाना चाहता हूँ या मेंटर करना चाहता हूँ, तो मैं उनकी कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन कैसे बिल्ड करूँ? उनके जो मुआशरे की हकीकतें हैं वो इतनी फ़र्क हैं कि जब मैं उनको कोई बात समझाने की कोशिश भी करता हूँ तो वो वेस्ट हो जाती है, क्योंकि कहते हैं ऐसे नहीं होता हमारे मुल्क में। मैंने क्या किया कि बहुत सालों से, मैं ये 7-8 साल से करता हूँ कि मैं अपने फेसबुक के दोस्तों को हम ख्याल लोग भेजना शुरू कर देता हूँ, जाके उनकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ना शुरू हो जाए, रिपीटेटिवनेस कम हो जाए। एक आप काम कर रहे हैं, दूसरा भी वही काम कर रहा है, मिलके करेंगे जल्दी हो जाएगा। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, अब मुझे मेरा एक ख्वाब है कि मैं पाकिस्तान में 1 मिलियन लोगों को एम्पावर करूं कम से कम, जो कि एंटरप्रेन्योर बन सकें। अब उस ख्वाब के अंदर मेरा जो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल आता है वो ये कि मेरे हम ख्याल लोग मुझे नहीं मिलते। मैं जिन लोगों को भी रिक्रूट करता था या करता हूँ, वो उनको मेरी बात नहीं समझ में आती, उनको मेरा तरीका समझ में नहीं आता, उनको मुझ पर फेथ नहीं होता, मल्टीपल चीज़ें होती हैं, और मैं एक बहुत ही फजूल मैनेजर भी हूँ व्हेन इट कम्स टू मैनेजमेंट स्किल्स। मैं क्योंकि मुल्क से बाहर बहुत साल काम किया है वर्चुअली सही, लेकिन तो ये देखा है कि खुद एतमादी
के साथ भी मैनेजर को या सीईओ को काम दे दिया जाता है और वो काम करता रहता है। अब पाकिस्तान में ऐसे लोग जो हैं या तो बहुत महंगे मिलते हैं कि जो मुख्तलिफ ममालिक के सफ़र करके आ चुके हों, बहुत सारे उनका जो दिमाग है वो बिल्कुल ओपन हो, वो हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हों, बहुत किताबें पढ़ते हों, तो उनकी जो सैलरी लेवल है वो 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए से ऊपर चला जाता है। तो जो मैसेज हमारे मुल्क का है, जो कि एक नॉर्मल आप एक असिस्टेंट हायर करते हैं तो 15 से 25 हज़ार रुपये में हायर करते हैं, या कोई प्रोजेक्ट मैनेजर हायर करते हैं और एक MBA भी हायर करते हैं, तो हकीकत यह है कि 1500 से 25 हज़ार में आपको एक नया MBA मिल जाता है। लेकिन उस MBA के अंदर चैलेंज ये होता है कि वो काम नहीं कर पाता कुछ। उसकी वजह क्या होती है कि एक तो उसकी जो एजुकेशन का लेवल है वो नॉलेज रट्टे की वाली लगा रहा होता है, लेकिन उसको दुनिया नहीं देखी होती, और दुनिया ना देखने की वजह से उसकी जो तराशाई, उसको जो जैसे हर हीरे को पत्थर से तराशा जाता है, तो क्योंकि उसका इंटरेक्शन बहुत लोगों से नहीं हुआ होता तो उसमें चमक नहीं होती। मैंने ये नोट किया कुछ सालों पहले कि जिस आदमी की भी मेरे म्यूचुअल फ्रेंड बढ़ जाते हैं तो उसको मेरी बात आराम से समझ में आ जाती है, या फिर कोई अल्लाह माशाल्लाह आदमी हो जिसको मेरी बात समझ में आती हो। तो मैंने अपने ऑफिस में रिक्वायरमेंट डाल दी कि भाई आपने इतने फॉरेनर फ्रेंड्स बनाने हैं, और उससे मैंने देखा कि वह डेफिनेटली मेरी रियलिटी में मुझे नज़र आया कि बहुत लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। मैंने मेरा काम आसान हो गया, मुझे जो 1 घंटा बात समझाने में लगता होता वो मेरा आधा मिनट में मेरा काम हो जाता है ऐसे लोगों के साथ काम करने से। तो मैंने अपने एक दोस्त से कहा कि यार मैं अमेरिका में, कि मैं कैसे इसको एक्सपैंड करूँ, इस एक्सपेरिमेंट को, या इसको टेस्ट कैसे करूँगा, ये हो सकता है। तो उसने कहा कि कोई इंसेंटिव दे दो। तो मैंने कहा क्या इंसेंटिव दूँ, तो उसने कहा एक लैपटॉप दे दो। तो आई लाइक दैट आइडिया एंड आई स्टार्टेड एन ऑफर फॉर 1 लैपटॉप, एंड आई सॉ अ लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड कमिंग इन। इन द कोर्स ऑफ 8 महीने, लास्ट 8 महीने में तकरीबन 100 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये लैपटॉप, 500 दोस्त बनाए हैं। उन 500 में से 5 ऐसे होंगे जो कि बहुत कम उन्होंने सीखा, उनका जो जहन है वो इतना सख्त हो चुका है कि उसके अंदर हम बार बार पानी डालने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाए। लेकिन सेकंड जो चैलेंज था वो ये कि वो उन जिन लोगों का जहन सख्त है उन्होंने उन 500 लोगों से बात नहीं करी। तो क्योंकि आप फ्रेंड तो बना लेते हैं लेकिन उनसे बात नहीं कर रहे, तो उनकी सिर्फ न्यूज़ फीड आप तक आ रही है, और उस न्यूज़ फीड को देखने के अंदर आपकी जो चेंज आपके दिमाग में आ रहा है वो कम आ रहा है बनिस्बत के ज़्यादा। नॉर्मली हमारा दिमाग प्रोग्राम होता है माशरे के चारों तरफ देखने से। हम उर्दू इसलिए बोलते हैं कि हमारे चारों तरफ लोग उर्दू बोलते हैं। अगर आप जापान चले जाएं, 1 साल में आप जापानी बोलने लगेंगे, कोई भी नहीं सिखा रहा होगा, तो क्योंकि आप सुनते रहेंगे तो दिमाग सीख जाएगा। जैसे कि कहते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। तो बेसिकली मेरे 5000 दोस्त जो हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग, दुनिया के चारों तरफ से मैंने लोग जमा किए हैं, और उसके बाद आप जब इनसे बात करेंगे और आपका जो साथी या दोस्त इनसे जब बात करेगा, इंटरेक्ट करेगा, तो जो वो बात करने से आप रिफ्लेक्शन देखेंगे अपना शीशे की तरह उसकी आंखों से, वो आपसे पूछेगा कि आप क्या करते हैं, आपके मुल्क में ये मसला क्यों है, आपके मुआशरे में ये मसला क्यों है, आपके कारोबार में ये मसला क्यों है। तो आप सोचेंगे, इस नज़रिए से सोचेंगे कि इसका तो कोई लेना देना नहीं है और ये मुझसे फिर भी पूछ रहा है, तो चलो मैं इसको सोच के बताऊं जवाब। और आप चाहे वो झूठ जवाब दें या सच जवाब दें, आपका दिमाग सोचने में मजबूर हो जाएगा डिफरेंट पैटर्न के ऊपर। तो आपको सवाल के ऐसे जवाब देने पड़ेंगे जिसका जो हकीकत आप नॉर्मली नहीं सोचते हैं। शिया सुन्नी का फसाद क्यों है, लोग गरीब क्यों हैं, पानी क्यों नहीं है, ये सारे वो सवाल हैं, छोटे छोटे सवाल हैं जो आप अपने ही आपसे, आपके माशरे के लोग आपसे पूछते हैं, लेकिन कभी बाहर के माशरे का आदमी जब आपसे ही कहेगा कि जी, आप कहेंगे जी ये तो अमेरिका का कसूर है, तो आगे वाला अमेरिकन होगा तो वो पूछेगा भाई आप किस तरह अमेरिका का कसूर है, तब आप अगले सवाल पे पहुँचेंगे, फिर उसके अगले सवाल पे पहुँचेंगे, तो आप प्रॉब्लम की गहराई तक जाने की पहुंच जाएंगे, और आपकी कुछ बातें जो पहले नहीं समझ में आ रही थी वो अब आपकी बातें, ये बातें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। इस
तराशी के नतीजे के अंदर ऐसे लोग मुझको मिल रहे हैं जिनको मैं आराम से बात समझा पाता हूँ। ऐसे लोग मिल रहे हैं जो जो 500 आदमियों को कन्विंस कर सके अपने बात में, तो उसकी जो खुदी है वो बहुत बढ़ जाती है, उसके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत बढ़ जाता है, उसके अंदर जो मुल्क की और दीन की नॉलेज है वो डेंस हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, उसके अंदर बाहर मुल्क की नॉलेज बहुत फ़र्क हो जाती है, उसका जो परसेप्शन ऑफ ग्लोब है, प्लानट है, वो फ़र्क हो जाता है। ये वो काम है, मैं समझता हूँ कि अगर कोई आदमी मेरे 500 दोस्त चोरी कर ले और उनसे बात कर ले, तो ऐसा है जैसे वो 5 मुल्क सफ़र करके आया हो, क्योंकि इस पूरे कोर्स में उसको 3 से 6 महीने लगेंगे। बहुत सारे लोग टेक्निक्स इस्तेमाल करके जल्दी फ्रेंड बना लेते हैं, उसका असर नहीं होता। असर कब होगा कि जब आप उनसे बात करेंगे, जब आपको हिंड्रेंस आएगी, जब आपको मुश्किल आएगी, ये मुझे क्यों नहीं दोस्त कर रहा, ये मुझको मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, मेरे में क्या खराबी है। जब आप ये सवाल अपने आप से पूछेंगे, तब आपके पास उस सवाल के जवाब आएंगे, फिर आप अपने दोस्तों से पूछेंगे, फिर आपको मैंने नेटवर्क बना दिया, ऐसे लोग दे दिए जो इन्होंने कर लिया, उनसे पूछ सकते हैं आपके क्या मेरे अंदर खराबी है। अगर मैं आपको कोई खराबी बताऊंगा ना, या आपका कोई दोस्त आपको खराबी बताएगा, तो आप कहेंगे ये तो मतलब ही है, ये सही नहीं बता रहा। एक दूसरा, हर एक मुझसे पूछने आ जाते, तो मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है कि मैं सबको जवाब दे सकूं, तो सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप मैंने बना दिया है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, 500 फ्रेंड एक्सपेरिमेंट के नाम से है, उसमें 700 लोग हैं। फिर जब आप अपने आप को खुद देखेंगे, जैसे मैं अभी अपने आप को इस कैमरे में देख रहा हूँ, तो मुझे नज़र आ रहा है कि मेरे बाल यहाँ से ख़राब हैं, मेरे बाल सही नहीं है, मेरी भवें बड़ी हो रही हैं, तो मुझे कटाना चाहिए। लेकिन अगर आप मुझे ये बात बोलेंगे, तो आप यार तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, मेरी ज़िंदगी है, मैं कुछ भी करूँ। सो ये हमारे अंदर एक कॉम्प्लेक्स है, इसको हम आहिस्ता आहिस्ता दूसरों से बात करके ना अपने आप को तराश लेते हैं। और ये जो एक्सरसाइज है जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले करी है और बहुत सारों के साथ कराई है, और अब मुझे इसके रिजल्ट्स भी मालूम है। ऐसे में जब किसी को बोलता हूँ कि जाओ 500 दोस्त बना लो, तो कोई नहीं बनाता, लेकिन ये लैपटॉप की लालच में बहुत सारे लोग शुरू करते हैं, और बिल्कुल ऑन द डॉट 100 के करीब, जब 150 करीब लोग होते हैं, जब 25-30 लोगों से बात कर चुके होते हैं, तो मुझे मैसेज आता है, सर थैंक यू सो मच, आपने हमारी ज़िंदगी का पैटर्न चेंज कर दिया, क्योंकि अब हम बहुत मुख्तलिफ तरीक़े से देखते हैं। दैट्स वेयर इट्स वर्थ इट। मेरे लिए, मैं एक ऐसा इंसान इस माशरे को दे देता हूँ जो कि किसी भी मसले को हल कर सकेगा, किसी भी मसले को डिफरेंट तरीके से देख सकेगा। वो एक ऐसा इंसान बन जाएगा एक छोटे से प्रोसेस से, एक 10,000 रुपये के तोहफे से, कि वो कुछ भी तब्दील कर सकता है। वो ऐसा, आप इसका रिजल्ट अगले 1 साल 2 साल में देखेंगे कि ये जो बच्चे तैयार हुए हैं, ये आप किसी लम्स के ग्रेजुएट से इसकी टक्कर करा दीजिए, आप किसी IBA की ग्रेजुएट से इसकी टक्कर करा दीजिए, इंशाल्लाह ताला ये अगर इसने प्रोसेस फॉलो किया है, तो ये उनसे अच्छा ग्रेजुएट साबित होगा, उनसे अच्छा अचीवर साबित होगा। और किसी को मैंने 4 साल या 16 साल यूनिवर्सिटी में नहीं भेजा, मैंने सिर्फ 3 महीने की एक एक्सरसाइज दी है कि आप लोगों से मुलाकात करें। तो सफ़र एक बहुत पावरफुल चीज़ होती है, और अगर आप फिज़िकली सफ़र नहीं कर सकते, तो ये वर्चुअल सफ़र ट्राई कीजिए, इसका जो रिज़ल्ट है वो इनॉर्मस है। अब हम इसको क्वांटिफाइबल बुक के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं कि कितने लोगों को कितना फ़ायदा हुआ, एक पेपर लिख देंगे इसके ऊपर के आगे भी लोग इसको इस्तेमाल कर सकें। बट परसों मुझसे आसिफ जमाली पूछ रहे थे कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैंने उनसे पूछा, आसिफ आपने इतने सारे दोस्त जमा किए और आप ने सिंध हेल्प सेंटर खोल दिया है, और इस सिंध हेल्प सेंटर में आप लोगों की मदद करते हैं, कुछ भी नहीं करते, मोबाइल लेते हैं, अपनी वीडियो बनाते हैं और लगा देते हैं, तो अक्सर लोग क्यों नहीं करते, कहते हैं सर वो अपनी शक्ल देख के घबराते हैं। तो जो कौम अपनी शक्ल देख के, अपनी वीडियो बना के फेसबुक पे लगाने से शर्माती हो, वो कौम क्या करेगी आगे जाके, वो कहाँ से कुछ बड़ा अचीव करेगी। अगर अपने ऊपर ही यकीन नहीं है, अगर अपनी बात ही पे अपने आप को नहीं बेच सकते, तो अपने आइडिया को, अपने कंपनी को, अपने मुल्क को